अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो शॉपिंग हॉल है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये है, मतलब 1 वीक के लिए मैंने शॉपिंग किया है, और इसमें है। अच्छा, ये जो मैंने जो जो लिए हैं 1 वीक के लिहाज से, तो इसमें हैं 2 टॉयलेट टिश्यू रोल, और ये बिस्किट्स कुछ लिए हैं मैंने बच्चों के लिए। मैंने जो मुझे मेरे फेवरेट है वो मैंने लिया है बच्चों के लिए, तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ। तो जब लाती हूँ तो इनको भी अच्छा लगता है, इनके फ्लेवर बड़े अच्छे होते हैं। ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ, ये ज़ीरा कलौंजी क्रैकर जो है, ये बहुत मज़े का होता है। और इसके अलावा जो है मैंने लिया है खुश्क दूध भी लिया है मैंने, जो साइड में भी रखा एवरीडे का। ये कभी कभार मैं अपनी चाय में डालती हूँ तो वो मज़े का आता है, कभी इस तरह गाढ़ा अगर दिल करे पीने का चाय। और ये शैम्पू लिया है लाइफ बॉय का, ये बहुत अच्छा होता है। मेरी बेटी भी इसको, मतलब उसको यही शैम्पू पसंद है, उसके बालों के लिए। उसके बाल भी माशाल्लाह से अच्छे लंबे हो गए हैं, मैं किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये कैनेंस के सीख कबाब है, इसको मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसको करी टाइप, मतलब तरकारी जैसी मैं इसको बनाती हूँ, फिर बहुत मज़े का लगता है। और ये डिटॉल सोप लिए, ये नए नए मतलब उसमें आए हुए थे, जैसे ये एक है अनार, उसमें ना फ्लेवर फ्लेवर कह लें, तो ये एक उसमें आए हुए हैं। और ये जो दिखा रही हूँ ये बिस्किट्स हैं जो बच्चों के लिए, चंद इस तरह में मुख्तलिफ फ्लेवर के मैं लेके आई। और एक ये है जो है, ये ग्रीन एप्पल है और एलोवेरा, तो ये मैं ट्राई करने के लिए लाई थी। ये मैंने पहली बार इस तरह डिटोल में देखा था, तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। और ये छोटे छोटे पाउच जो होते हैं सर्फ के, ये बहुत काम में आते हैं, जैसे मतलब एक दो सूट धोने के लिए तो बस इसको खोल के तो यूज़ कर ले, वॉशरूम के लिए अगर रखते हैं तो अच्छा रहता है। और ये एक फेस वॉश मैंने लिया है पॉन्ड्स का, तो ये है पिंपल क्लियर, तो ये भी मैं यूज़ करूँगी फिर बताऊँगी। मैंने पहली दफ़ा लिया है, इससे पहले मैं क्लीन एंड क्लियर का यूज़ करती थी, वो अच्छा था। तो ये मैंने लिया है मैक्स बर्तन धोने का जो सोप होता है। और ये मैंने हेयर कलर इस दफ़ा लिया है काला कोला का हेयर कलर, ये पहली दफ़ा मैंने लिया है, मैंने कहा मैं ट्राई कर लूँ किस तरह है, क्योंकि मैं पहले ये सस्ते वाले कलर में नहीं लेती थी, मैं गार्नियर का हमेशा यूज़ करती थी। मैंने रिवलॉन और लॉरियल जो भी कंपनीज़ है सारों का मैंने यूज़ किया है, तो पहले मैं कहती थी कि ये जो सस्ते कलर है ये अच्छा नहीं रहता, लेकिन भी जो है मैं अगली वीडियो में इसके बारे में आप लोगों से डिटेल में बात करूंगी। तो इसके बाद मैंने लिया है ये बिरयानी पुलाव मसाला जो है, और हल्दी लिया है, और साथ में वो जो चने मैंने आप लोगों को दिखाया है वो है, और ये ऑयल है मनपसंद का, ये भी अच्छा है। 2 पाउच मैंने लिया है, इस तरह से मैं कम कम शॉपिंग करके लाती हूँ, क्योंकि किचन भी मेरा छोटा है तो फिर थोड़ा थोड़ा सा करके लेती हूँ। और हमारा ये अच्छा होता है जो हमारे सोसाइटी में है वहाँ पे कॉल करके जो 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 चाहिए होता है वो ले आते हैं, जैसे चिकन या गोश्त वगैरह चाहिए हो, सब्ज़ी चाहिए हो, और इस तरह ग्रोसरी में कुछ चाहिए हो तो फ़ोन करें तो वो ले आते हैं आपके लिए, तो ये अच्छा रहता है। तो इस तरह से, और ये जो है स्कॉच ब्राइट का जो ये है देग वगैरह के लिए, ये लिया है, ये बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, तो इसके अलावा जो है ये जो स्कॉच ब्राइट का ये स्पंज जो है, मैं हमेशा से तकरीबन बहुत सालों से यही यूज़ करती आ रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, मतलब हैंडी है और अच्छे से साफ़ करता है सारे बर्तन, ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये केचप मैंने अभी दिखाया, केचप है, और जो है ये चावल जो है ये भी बहुत अच्छा है इस कंपनी का, ये सुपर कर्नल में है मेरे ख्याल से, बासमती चावल है। इस तरह एक मैंने बासमती का जो है 1 किलो का पाउच लिया है, और एक सेला का, तो और एक ये जो है 2 पाउच मैंने किलो किलो का जो है चीनी लिया है। और इसके अलावा ये लिया है स्कॉच ब्राइट का जो
स्पंज होता है वाइप्स, तो ये बहुत अच्छा रहता है किचन के लिए, किचन का काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए और चूल्हे वगैरह को। और ये चने का भी मैंने 2 पाउच लिए हैं, 2 पैकेट्स जो है किलो किलो का ये लिया है। तो इस तरह से ना मैंने कहा मैं भी शेयर करूं अपना शॉपिंग हॉल, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स व्लॉगर्स का जब मैं देखती हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने कहा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये मैंने लिया है मैक्रोनीस इस डिज़ाइन का, और ये जो है एक स्पेगेटी लिया है चाउमीन बनाने के लिए। जब मैं चाउमीन बनाऊंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये शॉपिंग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं जब भी अपना जो है वॉइस ओवर करती हूँ वीडियो पे, तो मेरा जो छोटा बेटा है वो हर वक्त हंसता रहता है कि मम्मी आप ये क्या बोल रही हो, किसके साथ बातें कर रही हो। तो इस तरह से होता है, अगर आप लोगों के साथ भी जो यूट्यूब ब्लॉगर है यूट्यूबर है आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो मुझे बताइएगा। मैं कमरे में जाके ना कोने कमरे में तो उधर अपना वॉइस ओवर वीडियो के लिए करती हूँ, तो आज मैं यही बच्चों के सामने ही बैठ के वॉइस ओवर करी थी, तो वो हंस रहा है बार बार। मैं उसको कह रही हूँ हंसो ना, तो मुझे जो है वॉइस ओवर नहीं हो रहा मुझसे। तो ये एक मैंने पत्ती लिया है चाय का पैकेट, इस्लामाबाद का है, ये पहले मैंने यूज़ नहीं किया था, ये तीसरी दफ़ा है जो मैं ले रही हूँ। ये अच्छा है, अच्छे मतलब कलर आता है चाय का, मज़े का है। और ये चाट मसाला है, तो मेरे ख़्याल से बस हो गया है, ख़त्म हो गया है शॉपिंग। ये चीज़ें मैंने ली है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा मुझे। ये सर्फ़ भी है, बड़ा वाला पैकेट लिया है, छोटे वाला मैंने आप लोग को दिखाया था, तो ये बड़ा पैकेट भी मैंने लिया है। और ये सेवैयाँ ली है, ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें मिक्स करके, अभी मैंने आप लोगों को शीर खुरमा भी दिखाया था, तो वो इसको ना मिला के तो मैं कुछ इस तरह, पिछली दफ़ा मैंने बनाया था बहुत टेस्टी बना था, तो अभी इस दफ़ा मैं फिर इस तरह से बनाऊँगी, तो शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।